सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक आज का हमारा है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 जो कि है जॉब एनालिसिस और जॉब और मैन पावर प्लानिंग के बारे में। हमने जो है लास्ट क्लास हमने जो कवर किया था वो था हमारा जॉब एनालिसिस के बारे में, उसका डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस। फिर हमने कवर किया था उसी का 2 पार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का मीनिंग या कॉन्सेप्ट कह लो, या फिर और हमने कवर किया था उसका इंपॉर्टेंस। आज जो हम कवर करेंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे पूरे चैप्टर का, हम लोग वो कवर करेंगे। और वो टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। फिर हम कवर करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। और लास्ट हम कवर करेंगे थोड़ा जॉब टॉपिक से स्मॉल सही है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो ये तुम्हारे 6 टॉपिक्स तुम्हारे थे, तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 में हमारे थे। तो हमने पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का अच्छे से कवर किया। जिसको डाउट है, वीडियो अवेलेबल है, वो आराम से वीडियो को देख के टॉपिक्स को कवर कर सकता है। आज जो टॉपिक हमारा है वो है जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट एंड मैन पावर प्लानिंग फॉर एग्जाम्पल। सुबह में टॉपिक कवर करेंगे। तो टॉपिक हम लोग को फर्स्ट मिलता है हमारा वो है जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि कॉमर्स और जो बीएससी टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं उसमें कोशिश करना कि लर्निंग वाला पार्ट जो है तुम लोग वर्ड टू वर्ड से लर्न करने का कोशिश करो। इसका मतलब क्या है, जो डेफिनेशन से जो टॉपिक हमारे हैं उसके नाम में छुपे हुए मीनिंग से पकड़ने की कोशिश करना, फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना कि डेफिनेशन क्या हो सकता है, समझने में तुमको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहां अगर तुम देख रहे हो, तुमको दिया जॉब, एक वर्ड हमारा जॉब है, एक वर्ड हमारा जो है एनलार्जमेंट। तो जॉब की जैसे कि लास्ट में समझाया था कि जॉब का मतलब ही हमारा होता है जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्क, ध्यान देना। ये वर्क कुछ भी हो सकता है, ये हमारा मैनेजर वर्क भी हो सकता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल, एक सेकंड देना, जो हमारा टॉपिक जो हमारा जो मैनेजर वर्क भी हो सकता है, किसी लेबर का वर्क भी हो सकता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अगर हमारा काम हो रहा है उसे हम जॉब लेके यहाँ चलेंगे। और जो टॉपिक हमारा जो हमारा वर्ड है एनलार्जमेंट, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी जॉब के स्कोप को फॉर एग्जाम्पल कैसे बढ़ाए। ठीक है, अब स्कोप बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंस भी है, जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेबर का, या कह सकते किसी एम्प्लॉय का, या कह सकते किसी वर्कर का फॉर एग्जाम्पल, जब तक जॉब इनलार्ज नहीं होगा तब तक उसके स्किल्स डेवलप नहीं होगा, तब तक उसका सैलरी इंक्रीज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल चलो कह लो, और तब तक हम कह सकते कि उसके एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक होता है ह्यूमन रिसोर्स वाला, उस केस में जब बात करूं इस इनलार्जमेंट के बारे में, तो हमको मिलता है एचआरएम का एक पॉलिसी जहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, जो भी किसी प्रोफाइल में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं या कोई हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको जॉब को धीरे धीरे से ही एक प्रपोर्शन में इनलार्ज करेंगे, मतलब बड़ा कर देना फॉर एग्जाम्पल। अब बड़ा करने का मतलब भी क्या है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा। चलो हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय था मनोज नाम का फॉर एग्जाम्पल, जब उसे मैंने हायर किया था, मैं फर्स्ट मंथ बात कर रहा हूँ, चलो फर्स्ट मंथ को हायर किया हुआ, तो उसके जिम्मे था सिर्फ मशीन को चलाना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर सेकंड मंथ मैंने क्या किया, देखा अगर वो मशीन अच्छे से चला पा रहा है और मशीन और उसका मैंने क्वालिफिकेशन भी चेक किया, तो मुझे क्या मिला कि उसको थोड़ा बहुत आइडिया है जॉब मशीन रिपेयर करने का भी। तो मैंने उससे पूछा और पूछ के मैंने क्या किया, उसके जॉब को इनलार्ज करने के ऑब्जेक्टिव से मैंने उसके काम में एक और जॉब इंक्लूड कर दिया कि अब मशीन का भी अगर ब्रेकडाउन हुआ स्मॉल फॉर एग्जाम्पल, तो तुम इसको रिपेयर करोगे मां। तो यार तुम चीज देखोगे कि फर्स्ट मंथ हमारे पास सिर्फ एक काम था मनोज के पास, सेकेंड मंथ सेकेंड काम हो गया, थर्ड मंथ चाहे तो एक काम और उसमें इंक्लूड हो सकता है। सेम तुम अगर बात करो, मान के चलो कि कोई टीचर किसी स्कूल में तुम्हारा हायरिंग हुआ है, पहले से कहा गया था सिर्फ एक पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल, उसके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन देख के हायर करता है कि कभी भी जरूरत पड़े तुम उस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स को मल्टीपल काम में लगा सके, ये काम आता है क्वालिफिकेशन को दिखने का इंपॉर्टेंस हमारा। तुमने क्या देखा कि वो फॉर एग्जाम्पल 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा पाता है, लेकिन अभी नीड नहीं है, अभी नया है, फ्रेश है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे स्कूल के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर्टिकुलर टीचर से एक सब्जेक्ट ही पढ़वाएंगे। जहां 2-3 महीने बाद देखेंगे नहीं अब स्कूल में कंफर्टेबल हो गया, उसका एफिशिएंसी अच्छा है, तो मैंने क्या किया उस टीचर को बोला कि एक सब्जेक्ट आप और पढ़वाओगे। तो समझ में तुमको आ ही रहा होगा कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया, जॉब को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे कहते हैं जॉब को इनलार्ज करना, जॉब को बड़ा करना, उसके स्कोप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना, इसे कहते हैं जॉब इनलार्जमेंट। अब कोई भी अगर सुनेगा इस बात को तो बोलेगा बड़ा ही गलत हुआ, काम बढ़ रहा, ध्यान देना। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, जब तक कोई तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन रिसोर्स काम ज्यादा नहीं करेगा तब तक उसमें जो है डेवलपमेंट नहीं आएगा, उसके स्किल्स में एनहांसमेंट नहीं आएगा। जितना ज्यादा काम करेगा, जितना मल्टीपल काम करते जाएगा कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, उसके एफिशिएंसी में उतना ही इंक्रीमेंट होते रहता है।
तो ये बात जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स वाले, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपने मैन पावर प्लानिंग में, या तुम कह लो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, जहां पर देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज काम करते हैं उनके जॉब को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, उनके फंक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनके स्कोप ऑफ जॉब को धीरे धीरे इनलार्ज यानी कि बढ़ाया जा सके। ठीक है, पहले बस वो एक इम्प्लॉय को, अगर एक मैनेजर हायर किया फॉर एग्जाम्पल, तो पहले उसके टीम में 5 लोगों को रखा गया, फिर कुछ दिन बाद उसके टीम में 10 लोगों को रखा गया, फिर उसके टीम में कुछ दिन बाद 50 लोग रखा गया, तो धीरे धीरे दोनों काम हो रहा है, जॉब भी इनलार्ज हो रहा है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि वो धीरे धीरे स्किल भी हो रहा है, पहले उसमें कैपेबिलिटी था 5 लोग को फॉर एग्जाम्पल मैनेज करने का, अब उसमें कैपेबिलिटी धीरे डेवलप करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जॉब एनलार्जमेंट, कि 10 लोगों को मैनेज कर सके, फिर 50 लोगों को मैनेज कर सके। तो अब तुमको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है। इसका बेनिफिट दोनों के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, और इसका बेनिफिट जो होता है किसी भी इम्प्लॉय के लिए भी होता है, बिकॉज इम्प्लॉय कैपेबिलिटी, इम्प्लॉय के स्किल्स में तुम्हारा एनहांसमेंट आ रहा है। सेकेंड चीज कि जॉब एनलार्जमेंट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उस पर्टिकुलर वर्कर पे डाल रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिला है, उसके काम ज्यादा खत्म हो रहे पूरे हो रहे फॉर एग्जाम्पल। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल जो कह सकते डायरेक्ट बेनिफिट वो है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बल्कि इम्प्लॉय को ध्यान देना। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट ही मेक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है जॉब एनलार्जमेंट। तो होप मोटा मोटी आइडिया बढ़ गया और बन गया, होकर डेफिनेशन में पढ़ता हूँ ताकि और समझा पाऊं तुम लोग को। तो यहाँ पे लिखा है मेरे पीछे स्क्रीन पर कि जॉब एनलार्जमेंट इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल लेवल एक्सपेंशन। ये हॉरिजॉन्टल लेवल एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि बिना उसके डिजिग्नेशन को बढ़ाए, वो पहले भी जूनियर मैनेजर था, अब भी वो जूनियर मैनेजर ही है, लेकिन पहले एज अ जूनियर मैनेजर उसके पास काम कम थे, रिस्पॉन्सिबिलिटियां कम थी, अब जूनियर मैनेजर ही हुआ है, उसको मैं सीनियर मैनेजर नहीं बनाया बल्कि उसको काम मैंने और से काम को बढ़ा दिया, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल तुम्हारा एक्सपेंशन। अगर बात करूं वर्टिकल लेवल एक्सपेंशन, तो ध्यान देना उसका मतलब ही ये होता है कि मैंने जो है उसके उसको काम को नहीं बढ़ाया, वो बिना काम को बढ़ाया उसका मैं डिजिग्नेशन बढ़ा दिया। सिंपल चीज है, पहले वो 4 काम करता था, अभी वो 4 काम ही करेगा, लेकिन पहले वो सीनियर जूनियर मैनेजर था, अब वो सीनियर मैनेजर हो गया। तो इस वाले केस में वर्टिकल एक्सपेंशन हुआ, डिजिग्नेशन में एक्सपेंशन हुआ लेकिन जॉब में नहीं हुआ। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, तो वहां ध्यान देना जॉब में डिजिग्नेशन में इंक्रीमेंट नहीं आता है, बल्कि जो जॉब होते हैं उनमें इंक्रीमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ अ जॉब बाय वाइडनिंग द स्कोप एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू जॉब। होप समझ में आ गया होगा। आगे है, जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग, ध्यान देना, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड एट द सेम जॉब लेवल, सेम जॉब लेवल ध्यान देना, पहले जूनियर लेवल, अब ये जूनियर मैनेजर ही हुआ है, बस काम बढ़ गया उसके। आगे है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक वर्क, ध्यान देना, जो काम तो करेगा ही, जो स्किल उसको हायर किया गया था इनिशियली, जॉब एनलार्जमेंट गिव्स मोर वर्क टू एम्प्लॉयज विच इंश्योर्स मोर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ध्यान देना, अब उसके स्किल्स में एनहांसमेंट आएगा। हम धीरे धीरे किसी भी एम्प्लॉय को एज अ मैनेजर, ध्यान देना, किसी भी नए एम्प्लॉय को हम धीरे धीरे काम बढ़ाते हैं उसके ऊपर, ठीक ना, ताकि उसको उसकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आ सके। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है। और मैं सबको ये बता दूं कि ध्यान देना कि जो भी मैं नोट्स तुम लोग से शेयर करता हूँ, उस नोट से ही तुमको लर्न करना है, बुक लेके मत बैठना, वरना कंफ्यूजन तुम लोग को बहुत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बात करना कि इसके एडवांटेज के बारे में, जॉब एनलार्जमेंट का एडवांटेज क्या क्या है। तो ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी अगर मैं पर्सन के ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा काम को लेकर, अगर वो प्रेशर झेल पाता है, अगर प्रेशर को परफॉर्म कर पाता है, तो उसके बाद जो होगा उसमें उससे स्किल्स में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा ही फॉर श्योर। और किसी के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि उसके स्किल्स में डेवलपमेंट आए। तो यहाँ बात करते हैं एडवांटेज के बारे में वन बाय वन। तो पहला एडवांटेज जो यहाँ पर है वो है, जॉब एनलार्जमेंट टीचेस एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड हेल्प्स देम इन देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा चीज है, क्योंकि मान के चलो पहले तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट ही लर्न कर सकते थे, या फिर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो टीचर पहले एक सब्जेक्ट ही पढ़ाता था, तो वो एक सब्जेक्ट में ही फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाकियों में नहीं होगा। लेकिन अगर किसी अगर मानो टीचर को फॉर एग्जाम्पल ज्यादा नहीं, मतलब लिमिटेशन में ही मैं सब्जेक्ट को बढ़ा दूं, तो टीचर क्या होगा फॉर एग्जाम्पल कि 2 या 3 में अब वो अच्छा हो जाएगा, तो यानी कि पहले एक में से अच्छा था बिकॉज वो एक ही काम करता था। क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ड्यूटी मैंने बढ़ा दिया,
अब वो तीन और चार जो भी काम बढ़ाए गए उसको करने के बाद उसमें भी अब हल्का सा एफिशिएंट हो गया। तो किसी भी इम्प्लॉय को वैरायटी ऑफ वर्क्स में स्किल्स और तुम कह सकते हो एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करता है, जहां पर कोई भी इंसान मल्टी फंक्शनल या मल्टी मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। आगे बढ़ो, दिस इंश्योर्स मतलब जॉब इनलार्जमेंट इंश्योर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट बाय एम्प्लॉयज व्हिच इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन। ध्यान देना, तो मतलब भी क्या होता है कि कभी मैं किसी इंसान को सिर्फ एक ही काम दूं तो इंसान उस काम से बोर हो जाता है, लेकिन जब भी मैं किसी एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल मोर देन वन जॉब दूं तो शायद उसमें मोनोटोनस या मोनोटोनी वाला फीलिंग नहीं डेवलप होता। मतलब काम अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, वैरायटी ऑफ काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो जॉब में सेटिस्फाइड रहेगा, वो बोर नहीं होगा, या उसका जो जॉब है वो उसे मोनोटोनस नहीं लगेगा। ध्यान देना, ठीक है, तो सिंपल चीज है। अगर तुम्हें मैं दिन भर अकाउंट्स ही पढ़ाऊं फॉर एग्जांपल, तुम बोर हो जाओगे। अकाउंट्स, थोड़ा सा कॉमर्स, थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मान के चलो, थोड़ा सा लिटरेचर मान के चलो, तो इस तरीके से तुम देखोगे तुम मोनोटोनस फील नहीं कर रहे। जहां पर क्या हो रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंक्रीज हमारा हो रहा है। अब अगर मैं अगला बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे मिला है कि दिस मेथड ऑफ जॉब एनलार्जमेंट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू अर्न मोर देन देयर वेजेस। जब कोई बहुत ही कम काम में एफिशिएंट रहेगा तो उसे फॉर श्योर कम सैलरी ही वो डिजर्व करेगा, लेकिन अगर वो ज्यादा काम करता है, मल्टीपल काम सीखता है, उसमें वो एफिशिएंट होता है, तो फॉर श्योर उसके वेज में इंक्रीमेंट आएगा। सेकेंड चीज अगर मैं बातें करूं तो फॉर श्योर क्या देखा जाए कि जो पैसे अर्न कर अपने नॉर्मल वेजेस से, अब उसका इंक्रीमेंट होने के बाद उसके उसका वेज जो बेसिक जो वेज था उसमें इंक्रीमेंट या मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा उसे जॉब अर्न करने का। तो नशल कह सकते हैं कि उसके वेज में या उसके अर्निंग में इंक्रीमेंट आएगा अगर जॉब एनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट है तो, वरना सालों साल भर एक ही काम कर रहा है तो आई गेस फिक्स सैलरी बहुत ही कम वे में इंक्रीमेंट होगा या उसका सैलरी फिक्सेशन भी हो सकता है। तो तरीके से किसी भी देखा ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग चाहते हैं कि मल्टीपल जॉब सीखे या मल्टीपल कामों को सीखकर अपनी सैलरी को बढ़ाया ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, चलो नंबर 4, रिड्यूस्ड मोनोटोनस रिपीटेटिव वर्क। ध्यान देना, मोनोटोनस का मतलब ही होता है कि एक काम ही करते जाना, ठीक है, मल्टीपल काम में बस एक काम ही करते जाना। तो उस काम में क्या होता है कि इस जॉब एनलार्जमेंट से वो मोनोटोनस तुम्हारा जो है रिपीटेटिव वर्क है उसका मोनोटोनस फीलिंग वो कम हो जाता है। आगे एंड हेल्प्स इन करियर ग्रोथ। बताइए कैसे करियर ग्रोथ, अगर मैं बहुत सारे काम जानूंगा तो डिमांड मेरा बढ़ेगा, अगर मैं सिर्फ एक काम ही जानूंगा तो शायद मैं डिमांड मार्केट में बहुत ही कम हो। तो आजकल मार्केट में ही है कि जो मल्टीपल काम जानते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते फॉर एग्जाम्पल, उनका डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा और उनको जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाता है बाकियों से। आगे बात करूं, thereby reducing attrition। attrition का मतलब भी क्या होता है कि जहां पर किसी को जॉब नहीं मिलता है या फिर जॉब अगर मिलता है तो कम से कम सैलरी पे उसको ऑफ जॉब किया जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। अब पांचवा बात करूं, गिव मोर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। तुम्हारे पास काम ज्यादा होंगे तो तुम्हारे पास अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा उन कामों को पूरा करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स और अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ किसी के स्कूल में, तो मुझे तीनों के बारे में ध्यान देना है कि तीनों मैं पढ़ाऊं तो तीनों का मैं काम टाइम पर पूरा करूं, तो यहाँ पे मेरा अकाउंटेबिलिटी का जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा बढ़ गया। सेम एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सेम एज फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग भी, तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ खुद के, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज कर दूं तो डेवलपमेंट मेरे अंदर हो रहा है, ताकि जब मैं स्कूल या कंपनी चेंज करूं तो मैं बोल पाऊं कि मैं तीन सब्जेक्ट्स पढ़ा है, सामने देखेगा कि तुम मल्टी टैलेंटेड है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा काम किया है, तीन चार हाई स्कूल के लेवल पर तीन सब्जेक्ट पढ़ाए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो शायद मुझे जो सैलरी या जो भी चीज है नेक्स्ट लेवल पर वो मुझे ज्यादा मिलेगा। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या है, बस 5 या 6 ही लर्न करो, उससे लर्न की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ता हूँ, जॉब एनलार्जमेंट के बाद जॉब एनरिचमेंट। तो फिर से मैं बोलूंगा कि इस वर्ड से पकड़ना सीखना, जो मेरा वर्ड है जॉब एनरिचमेंट, ये दो वर्ड इसमें, जॉब तो कॉमन चलाया हमारा वर्क या काम को, काम एनरिचमेंट मतलब होता है उसको पहले से बेटर बनाना, पहले से ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री बनाना, पहले से ज्यादा फॉर एग्जाम्पल मोटिवेटेड मोटिवेशन बनाना या पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना फॉर एग्जाम्पल। तो कौन करेगा, ये एचआरएम ही करेगा। पता है एचआरएम को, कोई भी एक इंसान जो है किसी भी काम को करते करते बोर हो जाता है या किसी भी प्रोसेस में रहता है तो तुम्हारा बोर हो जाता है, और जो भी काम है वो इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। लेकिन अगर बात करूं किसी भी काम में अगर वो काम इंटरेस्टिंग नहीं है, तब दिक्कत क्या होती है कि जो इम्प्लॉई है, जो ह्यूमन रिसोर्स है,
वो काम को उसको करने का मन नहीं करता। तो इस वाले केस में क्या देखा गया है कि एचआरएम आराम से समझ जाता है कि कोई भी जो है बहुत दिन तक काम और करते तो बोर हो जाता है। तो इस वाले केस में काम में क्या पॉसिबिलिटी है, काम को इंटरेस्टिंग, सेटिस्फैक्ट्री, फ्रूटफुल कह सकते हो, एफिशिएंट वाला वर्क बनाने को कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब ही होता है कि पहले से किसी चीज को और अब बेटर बनाना। तो यहाँ पे जॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट मतलब किसी भी तरीके से कि बहुत से मेथड्स हमारे होते हैं उस काम को हम करते हैं जॉब एनरिच करते हैं कि पहले से बेटर बनाते हैं ताकि जो इम्प्लॉय है उसको हर एक लेवल पर लगे नहीं काम जो है पहले से उसका जो प्रोसेस है जो उसमें इंटरेस्ट है वो पहले से बढ़ गया है और उसका इंटरेस्ट बना रहे। किसका इंटरेस्ट? इंप्लॉय का इंटरेस्ट बना रहे उस पर्टिकुलर वर्क में। तो बात करते हैं आगे इस टॉपिक में। यहाँ हमारा है जॉब एनरिचमेंट इज अ प्रोसेस, ध्यान देना, इसे कुछ करते हैं इन विच जॉब इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स अ वर्कर ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब बताइए, फॉर एग्जाम्पल ऑटोनॉमी मतलब जो इंप्लॉय तुम्हारा है वो खुद से क्या क्रिएटिविटी लाना चाहता है विद इन द पर्टिकुलर बाउंड्री, फॉर एग्जाम्पल उसे कहते हैं ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब एक अगर इंप्लॉय पर्सनली फील कर रहा है कुछ क्रिएटिव इसमें होना चाहिए, कुछ नया इसमें आना चाहिए, उसे कहते हैं ऑटोनॉमी, यहाँ पर खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। आगे बात करूं, इन दिस प्रोसेस एंड जॉब इनरिचमेंट में वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट मींस। ध्यान देना, हमारे कॉमर्स में एक चैप्टर है मोटिवेशन आएगा आगे जाके, वहां तुम समझोगे किसी भी कोई मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मुझे किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करना है पढ़ाई में तो कैसे करूंगा? समझा कर उसे, फॉर एग्जाम्पल कि पढ़ो, मार्क्स ज्यादा आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, तुमको ज्यादा कॉलेज में लगेगा। तो ठीक है, अगर मैं 10 अगर स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं तो जरूरी नहीं कि 10 स्टूडेंट्स हमारे सेम वे से मोटिवेट हो जाए, किसी किसी का अलग अलग हो सकता है। ठीक, इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंप्लॉय को मोटिवेट करना है तो मोटिवेशन का बहुत सा तरीका हमारा होता है। तुम वहां पढ़ो कॉमर्स में कि कैसे कैसे मोटिवेट करते हैं किसी भी इंप्लॉय को, यहाँ पढ़ते हैं कि बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ मोटिवेशन ताकि जॉब उसको पसंद आए, अच्छा लगे, फॉर एग्जाम्पल किसको? इंप्लॉय को। एंड दे आर गिवन, दे मतलब कौन? इंप्लॉयज, ध्यान देना। एंड दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। किसी भी अगर मानो किसी भी इंप्लॉय को दिखेगा जो काम कर रहा है उसमें दिखेगा, उसको अचीवमेंट दिखेगा, उसको दिखेगा कि नहीं काम करने के बाद मेरे को रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको दिखेगा नहीं नहीं मेरे पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो वो काम का बढ़ना लक्ष्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से तुम्हारा ही कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी तुम्हारा जो होता है उसमें इनहेंसमेंट आता है, वो बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। एंड ग्रोथ, तो किसी को भी कोई भी काम वो काम करने बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्ट लगेगा और उसको काम जो सेटिस्फैक्ट्री लगेगा। तो तीन चार चीजों से जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एचआरएम जो होता है किसी भी जॉब को पहले से ज्यादा एनरिच बनाते हैं। आगे बात करूं, थ्रू जॉब एनरिचमेंट अ जॉब इज मेड मोर इंटरेस्टिंग, जो मैंने पहले कहा था, एंड चैलेंजिंग बाय रिमूविंग द फंक्शंस ऑफ नैरो स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो होप आगे बात करते हैं सब टॉपिक्स को समझ में आओ। आगे हमारा जो है इंपॉर्टेंस का रेलिवेंस हमारा इस जॉब एनरिचमेंट का, तो किसी भी जॉब को इंटरेस्टिंग क्यों बनाए, ये इंटरेस्टिंग बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट जॉब्स बनाए गए। मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन को पैसा बहुत सारा कमाना है, सेल करना क्या पड़ेगा, बहुत सारा सेल करना पड़ेगा। तो बहुत सारा सेल करने के लिए क्या है कि बहुत सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोडक्शन करने के लिए क्या है कि बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, या तो टेक्नोलॉजी अच्छा लेके चले आओ या तो बहुत सारे रॉ मटेरियल लेके चले आओ। उनको असेंबल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो स्किल्ड होने चाहिए, वो मन से काम करने चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्टिव के पीछे अगला ऑब्जेक्टिव जरूर हमारा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं जो ह्यूमन रिसोर्स है जो काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको अच्छा बेनिफिशियल ही ना बनाऊं, तब मुझे ऑप्टिमम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स से वो मुझे शायद नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ाई को बोरिंग बना दूं फॉर एग्जाम्पल, तो पढ़ने का मन करेगा? शायद पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर मैं सिंपल जूम क्लासेस लूं, खाली बस मैं खुद को तुम मुझे ना देख पाओ तुम लोग, और बस मैं बुक का लाइन पढ़ते चल जाऊं, वन बाइडिंग कर जाऊं, तो तुम्हें भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा वो चीज। लेकिन जब तक न्यू टेक्नोलॉजी ना आए, न्यू एडवांसमेंट ना आए, तब तक नहीं लगेगा। लेकिन जहां किसी को उसको और इंटरेस्टिंग बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एजुकेशन को, तो नए टेक्नोलॉजीज, नई चीजें लानी पड़ेंगी, तब जाके वो चीजें लगेंगी इंटरेस्टिंग। और जो है जो इम्प्लॉय माने को तुम लोग फॉर एग्जांपल, तुम्हें भी मन करेगा पढ़ने का, सेम चीज ये चीजें यहाँ पर जॉब एनरिचमेंट। तो कोई भी जानती है ऑर्गेनाइजेशन कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है उसे उस जॉब में इंटरेस्ट बना रहा है उसका इंटरेस्ट, इसलिए जॉब को एनरिच करना पहले से बहुत ही जरूरी है।
तो बात करता हूँ पहले इंपॉर्टेंस के बारे में. जॉब एनरिचमेंट गिव्स एम्प्लॉइज मोर मोटिवेशन एट वर्क प्लेस विथ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ध्यान देना, तो मोर मोटिवेशन का मतलब भी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कि पूरे साल भर स्कूलों में एग्जाम ही ना हो और फिर लास्ट में बोर्ड एग्जाम हो, तो पूरे साल जो है तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, मोटिवेशन भी नहीं आएगा ये लिख के ले लो. तो मतलब यहाँ पे एक चीज है जहां पर टर्मिनल एग्जामिनेशन, असेसमेंट टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, यूनिट टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट वर्क फॉर एग्जाम्पल, डिस्कशन फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, ये क्यों होते हैं? ताकि मोटिवेशन या फिर इंटरेस्ट तुम्हारा बना रहे. किस पर मैं बात करता हूँ? बच्चों के लेवल पर. लेकिन ठीक उस तरीके से जो होता है कि जॉब एनरिचमेंट किसी भी एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को बनाए रखता है, उसके मोटिवेशन को बनाए रखता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाए रखता है. फॉर एग्जाम्पल, जहां पर वो खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करता है, बोर नहीं लगता है. आगे बात करूं, इट रिड्यूसेस रिपीटेटिव वर्क एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट हैंड इन रिड्यूसिंग अट्रिशन एट वर्क. मतलब भी क्या हमारा, तो यहां अगर तुम देखोगे फॉर एग्जाम्पल कि जब उसे मैं जॉब को मैं फॉर एग्जाम्पल जॉब को मैं अच्छा से एनरिच कर दूं, जब मैं किसी का भी जॉब इनलार्जमेंट करता हूं, तो बंदा खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करता है, जहां पर वो खुद स्किल में इन्हांसमेंट खुद का लेकर आता है. इससे किसको बेनिफिट है? दोनों को बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है और हमारे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है. नंबर थ्री के बारे में बात करूं, तो यहाँ हमारा जॉब एनरिचमेंट पेव्स मतलब बनाना होता है, पेव्स वे फॉर करियर ग्रोथ फॉर एन एम्प्लॉय. सिंपल सा चीज है कि जॉब एनरिचमेंट हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मोटिवेशन बढ़ रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो कल को जब कंपनी से जॉब या फिर उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेगी, तब कंपनी खुद फील करेगी ये मोर सैलरी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में डिजर्व करता है. तो इससे उसे करियर में ही ग्रोथ मिलेगा एनी हाउ. आगे, मोर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हेल्प्स द एम्प्लॉय डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज. आगे हमारा है जॉब सेटिस्फैक्शन इज इनहांस्ड व्हेन अ जॉब इज एनरिच्ड बाय मोर स्किल्स. सिंपल टॉपिक हमारा था. जॉब के पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयज को, वो हम लोग की टॉपिक में वहां इस चीज पर है. आगे बढ़ते हैं कि अगर बात करूं, ये तो मैं सिलेबस में नहीं है, मेरी क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी है, किसी भी जॉब को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इनरिच या कैसे फ्रूटफुल बनाती है. ध्यान देना, तो मुझे पहले मिलेगा जॉब सिलेक्शन, तो हर जॉब को हम इनरिच नहीं कर सकते. तो ऐसे जॉब जहां पर पॉसिबिलिटी है इनरिच करना, उन जॉब को करते हैं सिलेक्टेड. देखो, सिलेक्टिंग जॉब्स विच आर अमेनेबल टू जॉब एनरिचमेंट. हर एक जॉब को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, लेकिन जिस जॉब में पॉसिबिलिटी है उसको इनरिच करने का, उन जॉब को हम करते हैं सिलेक्शन इस वाले पहले स्टेप में. ठीक है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है. नंबर टू बात करूं, आइडेंटिफाइंग द चेंज. मैं क्या चेंज ला सकता हूँ, यानी कि आपको प्रोसेस चेंज कर दू? नहीं, हर एक चीज चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां जहां चेंज डिजायरेबल है, जहां जहां चेंज लाना पॉसिबल है, पॉजिटिव चेंज बता रहा हूं मैं, तो वहां वो चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां कहां चेंज हम ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ो तो नंबर थ्री में चेंज इन कंटेंट्स ऑफ जॉब. आगे तो मैंने चेंज देख लिया, अब चेंज हम जो बात कर रहे हैं वो चेंज हमारा जॉब है, वहां पे क्या क्या हम चेंज ला सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई यहाँ पर होता है. थर्ड, अगर फोर्थ बात करूं, एम्प्लॉय काउंसलिंग. ध्यान देना, चेंज आ रहा है, हमने पढ़ा है ना बीएसटी में लास्ट ईयर और असिस्टेंस टू चेंज. तो कभी कभी इम्प्लॉयज जो होते हैं वो चेंज के अगेंस्ट हो जाते हैं या चेंज को रिसिस्ट करते हैं. तो इम्प्लॉय को समझाना, उनको ट्रेन करना कि जो चेंज आया है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, इनके लिए उनका काउंसलिंग होता है, मतलब उनके माइंड को हम एडजस्ट ट्रेन करते हैं उस पर्टिकुलर चेंज के फेवर में. ध्यान देना. आगे, जॉब इंटीग्रेशन. जब हमारा हो गया जॉब एनरिचमेंट का, हमने काउंसलिंग कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, जॉब को इंटीग्रेट, काम को वापस से असाइन करते हैं एम्प्लॉय को, ताकि अब जो काम एनरिच हो चुका है पहले से, काम वो एम्प्लॉय ठीक से कर सके. तुम्हारे स्टेप्स थे जहां हम लोग जो बात करें जॉब एनरिचमेंट में. सिलेबस तुम्हारा नहीं था, लेकिन समझना बहुत जरूरी था कि कैसे कोई जॉब को हम लोग एनरिच कर सकते हैं. मान के चलो कि मुझे अपने सेक्शन में के पूरे जो मैं पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसमें कुछ नयापन लाना है. देखना पड़ेगा ना कि पहले कहाँ का कमियां है, अब अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट में क्या ही नया ले आऊंगा, एक कान सुना दूंगा बंदर और बिल्ली वाला, काम खत्म हो गया इंटरेस्टिंग थोड़ा सा. यही पॉसिबिलिटी कहां कहां मैं कर सकता हूं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे पढ़ के नंबर लाए, ताकि स्कूल का नाम हो. ठीक उस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री, किसी कंपनी में सेम होता है कि जो इम्प्लॉयज हमारे जो काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो मोटिवेटेड हो, वो स्किल्ड हमारे. ठीक है, तो होप तुम्हें समझ में आएगा जॉब इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. अब अगर मैं बात करूं आगे, तो मुझे मिलता है मैन पावर एस्टिमेशन. तो जब मैन पावर का मतलब ही क्या है, किसी काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है इसके ऊपर प्रॉपर होता है एनालिसिस कि किस काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए या फिर इस काम को करने के लिए 8 लोग चाहिए। तो ध्यान देना, मैन पावर का एस्टिमेशन मैं नहीं जानता, मुझे नहीं आता ठीक से, तो क्या दिक्कतें होंगी? या तो मैं जॉब में 10 लोग, जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा मैं हायर कर लूंगा, या तो जॉब इस लोग चाहिए मैं उससे कम हायर करूंगा। दोनों केस में कंपनी को दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा सुनो, अगर जॉब में चाहिए 10 लोग, मुझे एस्टिमेशन नहीं आता, 10 लोग मुझे निकालने नहीं आता, तो मैं 15 लेके चले आऊंगा, तो बाकी जो 5 मेरे एक्स्ट्रा आ गए उनको मुझे हाई सैलरी पे करना पड़ेगा, जो कि लॉस मेरे लिए है। 10 से भी काम बन जाता लेकिन मैंने 15 लिया है, तो 5 के लिए मुझे एक्स्ट्रा सैलरी पे करना पड़ा, जो कि लॉस हमारे फर्म के लिए, इनडायरेक्ट लॉस कह सकते। चलो आगे बात, जो 5 मेरे एक्स्ट्रा आ गए, शायद वो कॉन्ट्रीब्यूट करने के बजाय जो है मेरे प्रोसेस को ही हैम्पर कर गए। तुम पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, जब तुम पढ़ाओ ना प्रोडक्शन चैप्टर, तब वहां तुम समझोगे कि मोर लेबर इज नॉट गुड फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो समझो कि ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम अगर मैं लेके आऊं तो क्या होगा, चाहिए 10 लोग, लेके आए मैं 7 लोग, जो 7 लोग है वो मिलकर 10 लोग वाला काम करेंगे तो उनके वर्कलोड बढ़ेगा, तो शायद वो जो आउटकम दे, जो मुझे एफिशिएंसी दे, जो मुझे आउटपुट दे, वो शायद अच्छा ना। तो मैन पावर एस्टिमेशन, हालांकि एक्जैक्टली तो कोई भी एचआर नहीं करता, लेकिन एस्टिमेशन अगल बगल तो आराम से लाइफ सेक्टर से करते हैं, मैन पावर एस्टिमेशन ध्यान देना। सेम चीज यहाँ पे भी है, कितने काम को करने के लिए जो है कितने लोग चाहिए उसका प्लानिंग को ही बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो लोग यहाँ पढ़ते हैं होता क्या है, देखना मेरे पीछे। सो मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल, मतलब मैक्सिमम ध्यान देना, 10 लोग चाहिए कि 12 लोग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, या फिर कह लो टास्क, या तो कह लो गोल विद इन टाइम, ध्यान देना। ठीक है, हमारे पास एक टाइम फ्रेम है कि एक महीने के अंदर इतना पीस बनाना है, तो एस्टिमेट करो कितना हमारा हो सकता है, सेम चीज यहाँ पर है। आगे बात करूं तो मैन पावर प्लानिंग इंक्लूड्स, ध्यान देना, क्या क्या पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ पर्सनल, यहाँ हम निकालते हैं कितना आदमी मेरे को चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, जो आदमी हायर करेंगे उसमें से कितने स्किल्ड चाहिए, कितने मुझे अनस्किल्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। आगे बात करूं जो इंसान में, जो मैं इंप्लॉयज हायर कर रहा हूँ वो कितने टाइम पीरियड में कितना काम करेंगे, सभी का एस्टिमेशन हमारा होता है इस मैन पावर प्लानिंग में। आगे मैं बढ़ूं, दिस आल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ध्यान देना। क्यों, हम प्लान कर रहे हैं कितने लोग किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, किस कितने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, सेम चीज हमारे यहाँ पे होता है। तो मैं आगे बात करूं तो मुझे मिलता है डायमेंशन या फिर टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एस्टिमेशन और प्लानिंग, ध्यान देना। तो कौन कौन से मैं डायमेंशन से, किस किस कैटेगरी पे, किस किस वे से जो है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा मैन पावर का जो नंबर है हम लोग उसको करते हैं एस्टिमेट। तो दो हमारे होते हैं मेथड, एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव मेथड, ध्यान देना, एक हमारा होता है क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड हम क्या देखते हैं कि हम वहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स को निकालते हैं, स्किल्स नहीं, ध्यान देना, नंबर ऑफ वर्कर्स। किसी मान के चलो कि मुझे किसी काम को करवाने के लिए, मैं एग्जांपल ही दूं, किसी काम को करवाने के लिए मुझे 500 घंटे चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी काम को पूरा करने के लिए 500 घंटे चाहिए। अब मुझे पता है कि जो मैं एक आदमी को हायर करूंगा वो एक दिन में 5 घंटे ही काम करेगा, तो बहुत सिंपल सा चीज है कि मैं एक, मुझे 500 घंटे काम चाहिए, एक इंसान 5 घंटे ही काम कर सकता है एक दिन में, ध्यान देना। तो मैं कितने एम्प्लॉय हायर करूंगा अगर मुझे काम एक दिन में पूरा करना है, तो सिंपल सा चीज है कि 500 घंटे काम चाहिए और एक एम्प्लॉय एक दिन में 5 घंटे काम करता है। तो मैंने इतना मेरा टोटल वर्क आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे मिले, कितने मुझे मिलेंगे, 100, ध्यान देना। एक अगर मानो एम्प्लॉय काम करता है 5 घंटे एक दिन में, तो 100 एम्प्लॉय एक में कितना काम करेंगे, 500 घंटे काम, मुझे 500 घंटे ही काम करवाना है। तो सिक्स निकालते क्वार्टरली मेथड, जहां पर मैं एस्टिमेट करते हैं जो मेरे वर्कर है, फॉर एग्जांपल वो वर्कर तुम्हारा जो है कितना चाहिए मुझे किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो क्वार्टरली हो गया जहां में नंबर मुझे मिलता है। सेकंड बात करूं मैं क्वालिटेटिव मेथड, ध्यान देना, यहां पर मैं ये एनालाइज करता हूं कि मुझे किस क्वालिटी का मुझे वर्कर चाहिए। तो वर्कर्स मेरे स्किल्ड होते हैं, वर्कर्स मेरे सेमी स्किल्ड होते हैं, वर्कर मेरे अनस्किल्ड भी होते हैं। जो मैं लेबर लेके आने वाला हूं वो लेबर कैसा है, क्या वो काम बहुत ही अच्छा करता है, बॉस फिनिशिंग के साथ काम करता है कि फिनिशिंग काम नहीं करता है। इस वाले केस में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में हम उसके स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके एक्सपर्टीज, उसके एक्सपीरियंस को जज करते हैं, उसके बाद उसको हायर करते हैं। तो हमारे मेथड क्वांटिटेटिव, अगला मेरा क्वालिटेटिव, जो पढ़ते होता क्या। तो अगर बात करूं मैं क्वांटिटेटिव के अंदर, बात करूं दो मुझे मिलते हैं, एक मुझे मिलता है
वर्कलोड एनालिसिस, एक मुझे मिलता है नंबर टू वर्क फोर्स एनालिसिस, क्या होता है प्रत्यक्ष। तो अंडर नंबर ए ध्यान देना, अंडर वर्कलोड एनालिसिस वर्कलोड ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड द टोटल वर्क लोड डिवाइडेड बाय वर्क लोड बाय पर एम्प्लॉय, इन द 500 घंटे डिवाइडेड 5 से यहां लगा रहे हैं हम लोग फॉर्मूला। सो टोटल वर्कलोड डिवाइडेड बाय वर्कलोड बाय पर एम्प्लॉय विल यील्ड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड इन द डिपार्टमेंट। तो किसी डिपार्टमेंट मानो कि एक महीने के अंदर अगर 500 घंटे काम होते हैं, अरे फिर किसी डिपार्टमेंट के अंदर मान के चलो एक महीने के अंदर 500 घंटे काम होता है और एक एम्प्लॉय एक महीने के अंदर अगर 5 घंटे काम करता है तो मुझे एक महीने में कितने एम्प्लॉय चाहिए, सिंपल सा बात है 100 एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं 100 एम्प्लॉय को मेरे यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, जहां पर इंसान के ऊपर कितना वर्कलोड होगा हम लोग उसको काउंट करते हैं। सेकंड हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस, जो मेरे जो नंबर एम्प्लॉयज है कितने ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, कितने छोड़ के जाने वाले हैं, तो कितना मुझे नया हायरिंग करना है मुझे यहां से मिलता है। तो बात करते हैं कि ऑल द वर्क फोर्स एग्जिस्टिंग ध्यान दें जो पहले फैक्ट्री में है इन द फैक्ट्री मे नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कुछ छुट्टी में जाएंगे, कुछ जॉब्स रिजाइन करेंगे, उनको बोलते हैं कि ये वो लोग शायद सब लोग ना रहे, कुछ कम बेसी भी हो सकता है। तो हर एक कंपनी को पता है कि ऑलमोस्ट अगर हमारे कंपनी में मांगे चलो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 10 या 15 लोग जो है एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं वो रिजाइन भी दे सकते हैं, तो मुझे नया कितना हायरिंग करना है वो यहाँ पे काउंट करता है। देख लो कि द न्यू एस्टे कहाँ चला गया, हाँ सॉरी सम ऑफ द करंट वर्कफोर्स जो हमने काम करें हमारे कंपनी में मे बी लॉस्ट ड्यू टू रिक्रूटमेंट रेजिग्नेशन एंड प्रमोशन ध्यान देना एक्सेट्रा हमारा। तो सो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द करंट वर्कफोर्स ध्यान देना कि 100 का 100 आदमी होने चाहिए, द लॉस वर्कफोर्स लॉस वर्कफोर्स एनालिसिस इज डन, 100 लोग चाहिए, अब मुझे लग रहा है कि 20 लोग छोड़ के जा सकते हैं ध्यान देना पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं क्या करूंगा कि 80 लोग मेरे पास बच जाएंगे तो मैं 20 नया हायरिंग करूंगा। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मुझे कितना नया हायरिंग करना है। तो वर्क हिस्ट्री ऑफ ईच ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर इज प्रिपेयर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्कफोर्स लॉस ध्यान देना द न्यू एस्टिमेशन इज फिक्स्ड कि मुझे नया कितना हायरिंग करना है, यहां से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलता है कितना मेरे पास एम्प्लॉय होने चाहिए। अब अगर मैं बातें करूं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में तो यहां ध्यान देना हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपीरियंस को, हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स को, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कितने और चाहिए या फिर किसको मुझे लेना है किसको मुझे नहीं लेना है। तो लोग यहाँ बात करते हैं द एस्टिमेट ऑफ नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एक्सेट्रा ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर एस्टिमेशन, जब इन चीजों को हम एनालाइज करते हैं नंबर्स के नहीं यहाँ पर लोग एब्स्ट्रैक्ट चीजों को करते हैं एनालाइज कि जो मेरे जो एम्प्लॉयज है वो किस किस चीजों में उनको जो हम लोग को करना एडवांस। आगे बात करूं द क्वालिटी ऑफ मैन पावर कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि जॉब किस लेवल का है उसमें क्या क्या चीजें क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व है और क्या क्वालिफिकेशंस के लिए चाहिए, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन ध्यान दें दोनों को मैच करके हम लिखते हैं किस स्किल का मुझे लेबर हायर करना है। तो अगर मुझे लेबर चाहिए स्किल तो मैं मुझे काम बहुत अच्छा चाहिए तो मैं स्किल्ड लेबर को हायर करूंगा, अगर मुझे काम नॉर्मल चाहिए तो मैं सेमी स्किल्ड, और काम अगर चलेगा नॉर्मल क्वालिटी का भी तो मैं शायद मैं सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का एक कॉम्बिनेशन को हायर करूंगा जहां मेरा वेजेस कम पे करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, क्यों अगर मैं स्किल्ड लेबर हायर करूंगा तो उसका लेबर कॉस्ट हाई होता है, सेमी स्किल्ड थोड़ा सा और कम, अगर मैं अनस्किल्ड अगर लेबर फोर्स अगर मैं हायर करूंगा तो मुझे स्किल से कम पे करना पड़ेगा। तो काम पे डिपेंड करता है काम मुझे कैसा चाहिए उसके लिए हम उसके बेसिस में वर्कफोर्स डिसाइड करते हैं उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हमारा। सेकंड बात करूं इस मैन पावर एस्टिमेशन का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल चीज है कि मैन पावर प्लानिंग इज अ टू फेज प्रोसेस बिकॉज मैन पावर प्लानिंग नॉट ओनली एनालाइजेस द करंट ह्यूमन रिसोर्स बट ऑल्सो मेक्स मैन पावर फोरकास्ट एंड देयर बाय ड्रॉ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ध्यान देना कि हम देखा ना क्वांटिटेटिव मेथड में जहां पर कितना वर्कफोर्स लॉस हमारा होता है उसको हमको एस्टिमेशन मिल गया पास्ट रिकॉर्ड्स को देखकर, जहां पर फ्यूचर में मुझे कितना हायरिंग करना है एम्प्लॉय मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना ह्यूमन नंबर मुझे मेंटेन रखना ये मुझे भी हेल्प मिलता है किससे मैन पावर एस्टिमेशन का ध्यान। आगे बात करूं तो मैन पावर प्लानिंग इज एडवांटेजेस टू फर्म इन द फॉलोइंग मैनर, नंबर वन शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस कैन बी आइडेंटिफाइड दैट क्विक एक्शन कैन बी टेकन व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ध्यान देना सिंपल सा बात है कि मैंने मैन पावर एस्टिमेशन कर लिया
उससे कितने मुझे जो इम्प्लॉय से छोड़ के जाने वाला उसका मैंने एस्टिमेशन कर लिया और इस बेस से मैं क्या कर रहा हूँ मुझे फ्यूचर में कितना हायर करना है मुझे एक एस्टिमेशन मिल गया। जैसे कि कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉय के लेवल पर कभी शॉर्टेज हमको नहीं दिख रहा। अब अगर नंबर टू बात करूं तो ऑल द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन मैन पावर प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल में कितना नंबर्स हायर करना है डिपेंड हमारा करता है कि कितना उसका मैन पावर एस्टिमेशन हमारा है। ठीक है, उठ लीजिए क्लियर है। नंबर थर्ड बात करूं तो इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, एक्सेस स्टाफ कैन बी आइडेंटिफाइड एंड देयर बाई ओवर स्टाफिंग कैन बी अवॉइडेड। ध्यान देना, इससे मुझे सिर्फ वर्कफोर्स लॉस ही का एस्टिमेशन करने में हेल्प नहीं मिलता है बल्कि किसी भी प्रोसेस में अगर कोई भी नंबर ऑफ मेरे वर्कर्स ज्यादा अगर हैं उसका एस्टिमेशन लगाने में भी मुझे बेनिफिट मिलता है। तो मुझे अगर मैंने वर्क पावर एस्टिमेशन कर लिया कि किसी काम को करने के लिए 100 लोग चाहिए और मुझे चला पता करंट नंबर अगर हमारे पास 130 या 140 है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स्ट्रा 40 को हम क्या करेंगे, या तो किसी और प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे या फिर उनको हम ले ऑफ कर देंगे, मतलब जॉब उनका छुड़वा देंगे फॉर एग्जाम्पल। सिंपल चीज है। तो भी देख रहे तो भी तुम लोग फील करोगे कोरोना काल में क्या हो रहा है, बांधे चलो थी एविएशन इंडस्ट्री है एयरक्राफ्ट वाले वो क्या देख रहे हैं कि जहां पहले कोरोना से पहले 100 फ्लाइट पर डे हमारे उड़ा करती थी, तो वो 100 या 200 पायलट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी मान के चलो कि सिर्फ 10 फ्लाइटें ही उड़ रही हैं, तो बचे हुए जो हमारे 180 जो हमारे पायलट है फॉर एग्जाम्पल कुछ काम नहीं उनका, तो वो ले ऑफ मतलब घर बिठा दो। तो कैसे मिलता है, मैन पावर एस्टिमेशन से ही मिलता है कि इम्प्लॉय कम है या ज्यादा है, दोनों एस्टिमेशन हमारा होता है मैन पावर प्लानिंग से। ध्यान देना ये एडवांटेजेस है मैन पावर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे बात करूं तो इट ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल टैलेंट्स इन अ कंसर्न एंड अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी, वो गलती वहां पे चेक्ड होगा, चॉप डाउट लिख दिया, चेक्ड आउट टू डेवलप दोस टैलेंट्स। यहां पे हमने पढ़ा है कि मैन पावर एस्टिमेशन का दो हमारा होता है मेथड, एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव एक हमारा होता है क्वालिटेटिव। तो वहां पर जो वर्कफोर्स हमारा जो करंट वर्कफोर्स है वो क्वालिटी को मैच करता है कि नहीं करता है, ये भी इसका एस्टिमेशन होता है। तो अगर करंट हमारा वर्कफोर्स क्वालिटी को मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, उनको और ट्रेनिंग और डेवलप देंगे ताकि उनकी क्वालिटी में क्या हो, इंक्रीमेंट आए। ध्यान देना। अब अगर हम आगे बात करूं इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ध्यान देना, तो प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, प्रॉपर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग चाहिए, उनमें क्या स्किल्स चाहिए, तो ये हमारा हेल्प करता है एस्टिमेशन करने में कि ग्रोथ और जो डाइवर्सिफिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होगा। ह्यूमन रिसोर्स ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं, तो वहां अगर बात करो अगर उनका एस्टिमेशन ठीक ना कर पाए तो शायद ग्रोथ में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बिकॉज इम्प्लॉय ना तो कम होने चाहिए, इम्प्लॉय ना तो ज्यादा होने चाहिए, एज पर एस्टिमेशन होने चाहिए। सेकेंड चीज, अगर मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए तो मेरे पास स्किल्ड लेबर होने चाहिए, अगर मुझे स्किल लेबर नहीं चाहिए तो पैसे बचाने के लिए मुझे सेमी स्किल या अनस्किल लेबर भी हम आराम से हायर कर सकते हैं, वो भी चलेगा हमारा। आगे बात करते हैं, सो थ्रू मैन पावर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी रेडिली अवेलेबल एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट मैनर। ध्यान देना। आगे बात करता हूँ, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न। ध्यान देना, क्यों, मैन पावर उसका एस्टिमेशन उसका इंपॉर्टेंस, अगर मान के चलो मैंने अगर वर्क फोर अगर मैं वर्क लोड एसेस कर लिया तब मैंने देखा कि पर फॉर एग्जांपल पर इंप्लॉय के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि वर्कलोड कम करने का, इससे मुझे चलेगा पता कि हमारे यहाँ जो इम्प्लॉयज है वो कितना घंटे काम करते हैं और फर्म के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो सिर्फ उस मैन पावर का जो इम्पोर्टेंस वो भी चलेगा पता है कौन सा मैन पावर या फिर कौन सा रिसोर्स हमारे लिए कितने घंटे काम कर रहा है कितना ज्यादा काम कर रहा है अकॉर्डिंगली। ध्यान देना, तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो हम लोग आज के लिए जो सेकंड चैप्टर हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, बस 6 टॉपिक्स हमारे थे सेकंड चैप्टर हमारे पास, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट और मैन पावर प्लानिंग। तो इन 6 टॉपिकों को नोट से अच्छे से कवर करना और ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है ये अवेलेबल भी तुम्हारे पास रहेगा। तुम लोग क्या कर सकते हो कि एग्जाम टाइम में इन चीजों को अगर तुम्हें डाउट लगे पढ़ते पढ़ते तो तुम इनको चीजों को रिवाइज आराम से कर सकते हो, तुम्हें बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, बाकी तुम लोग चाहे फेयर कॉपी कर रहे हो बुक तो पढ़ना मत, अगर देखो पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लर्निंग वाला पार्ट जो होना चाहिए वो नोट से हमारा होना चाहिए।